अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। मैं जियाउल हुदा रैयान इंटरनेशनल ऑफिस दिल्ली शाहीन बाग से आप लोग के सामने फिर से हाजिर हुआ हूँ। बहुत सारी वैकेंसीज को लेकर डिफिनेशन के साथ पेश कर दूंगा, आप लोग को देख लीजिएगा। बहुत काम की और बहुत अच्छी अच्छी वैकेंसीज आई हुई है। अभी लगातार यहाँ से इंटरव्यू स्टार्ट होने जा रहा है। जो लोग दिल्ली नहीं है, दिल्ली आने की तैयारी कर ले। हर ट्रेड में वैकेंसीज आई हुई हैं, सबका इंटरव्यू बहुत जल्दी ही शेड्यूल तैयार हो रहा है, इंटरव्यू होने वाला है। जो दूर से देख रहे हैं वो लोग भी अपनी तैयारी कर ले आने की, जो नजदीक से हैं वो लोग वैकेंसी को अच्छे से देख लें। जिनका ट्रेड मैच करता है, सेम फील्ड का काम है जिनका, वो देर ना करें, पहुंचने की कोशिश करें। बहुत ही अच्छी अच्छी रिक्वायरमेंट आई हुई है। मैं बहुत क्लियर वे में आप लोग को डिफाइन करने वाला हूँ। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, रेड बटन लाल कलर का बटन होगा उसको क्लिक कर दीजिए, सब्सक्राइब हो जाइए ताकि नेक्स्ट सारी वैकेंसीज आपको मिलती रहे क्लियर वे में। और नीचे आपका ऑफिस का एड्रेस लिखा हुआ है और ऑफिस का नंबर लिखा हुआ आ रहा है नीचे आपकी स्क्रीन पे। नंबर नोट करके 6005432623 तो ये नंबर है, दूसरा 9650821502। इस दोनों नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, व्हाट्सएप का रिप्लाई मिलेगा आपको अगर कॉल का रिप्लाई ना मिल रहा हो तो। ठीक है, वैसे मोस्टली कॉल रिसीव हो रही है अभी। अदरवाइज अगर कॉलिंग पे रिप्लाई ना मिले तो व्हाट्सएप क्या कीजिए आप लोग, व्हाट्सएप पे वैकेंसी का स्क्रीनशॉट लीजिए और उसको रिप्लाई कीजिए मुझे, डेफिनेशन मिल जाएगा क्लियर वे में। और वैसे अभी पूरी वीडियो को देखिए, अच्छे से मैं समझा देता हूँ। अभी जो आपकी स्क्रीन पे चल रही है वैकेंसी देख लीजिए, ये अल यमामा ग्रुप की वैकेंसी है। अल यमामा सऊदी की बहुत बड़ी कंपनी है, सेमी गवर्नमेंट के अंडर में आती है ये कंपनी और इसमें काफी ट्रेड है। लगभग 40 ट्रेड का इंटरव्यू होने वाला 1 नवंबर को, नवंबर की पहली तारीख को इन सब ट्रेड का इंटरव्यू होने वाला है। अभी देख लीजिए आपके सामने है, इसमें जो अलग अलग डिपार्टमेंट बांट दिया गया है, लाइक जैसे सिविल सर्विस अलग डिपार्टमेंट डाला गया है इसमें, और एक्स्ट्रा लो वोल्टेज सर्विस अलग है इसका डिपार्टमेंट, फायर सिस्टम का अलग डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिकल सर्विस का अलग डिपार्टमेंट है, और की पर्सनल एडमिन इनका अलग वो बना दिया गया है शेड्यूल। सब में सबके सामने पूरा ट्रेड लिखा हुआ है, देख लीजिए उसको, जूम करके देखिए। नहीं समझ में आता है स्क्रीनशॉट लेकर के मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, उसको क्लियर कर दिया जाएगा। इसमें जो टोटल 40 ट्रेड है, HSC ऑफिस सेफ्टी ऑफिसर चाहिए, CAFM प्लानर कंट्रोलर चाहिए, मैकेनिकल सिस्टम टेक्नीशियन चाहिए, मैकेनिकल सिस्टम हेल्पर चाहिए, मीडियम वोल्टेज टेक्नीशियन चाहिए, मीडियम वोल्टेज हेल्पर चाहिए, मीडियम वोल्टेज सुपरवाइजर चाहिए। इन ये सब जो है जितने भी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल सर्विस में आ जाएंगे ये सारे भी, इन एनर्जी पावर सिस्टम टेक्नीशियन चाहिए, एनर्जी पावर सिस्टम हेल्पर चाहिए, लाइटिंग हेल्पर चाहिए, फायर फाइटिंग हेल्पर चाहिए, फायर फाइटिंग सुपरवाइजर चाहिए, फायर अलार्म डायरेक्शन हेल्पर चाहिए। बहुत सारे ट्रेड हैं। लास्ट में इसमें जो सिविल का है उसको मैं जिक्र कर दूंगा क्लियर वे में। सिविल वालों को दिक्कत होती है इसमें, क्लीनर सुपरवाइजर बेसिक सर्टिफाइड होना चाहिए, ज्वाइंटर ज्वाइंटर क्लीनर सुपरवाइजर बेसिक सर्टिफाइड होना चाहिए, और फर्स्ट क्लीनर सुपरवाइजर इराटा L3 होना चाहिए। ये जो जिस लाइन के ये सब होंगे उनको समझ में आ रही होगी चीजें, वही लोग इसमें इंटरव्यू में आएंगे जिन लोगों ने इसमें काम किया होगा। फैसिलिटीज मैनेजमेंट का काम होता है इसका सारा, जो भी होता है अलिया मामा का। तो इसमें जो है जो जिन लोगों को समझ में आ रहा है, जिन लोगों के ट्रेड का है वही लोग इसमें आएंगे। फेस क्लीनिंग हेल्पर इराटा L1 L2, ये लेवल है, जिन लोगों ने काम किया है इसमें उसको पता होगा लेवल क्या चीज होती है और इसमें इराटा क्या चीज होती है, वही लोग इसमें इंटरेस्ट दिखाएंगे। पेस्ट कंट्रोलर टेक्नीशियन चाहिए, पेस्ट कंट्रोलर लाइक दवा लगाया जाता है दीवारों पे बहुत सारे कीड़े मकोड़ों से बचने के लिए, तो वो पेस्ट कंट्रोलर टेक्नीशियन चाहिए होगा। प्लम्बर पाइपिंग फिटर चाहिए, प्लम्बर में जिनको पाइप फिटिंग का पूरा नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, गल्फ रिटर्न हो फ्रेश हो आ सकते हैं। कारपेंटर चाहिए, जिप्सन कारपेंटर, वेल्डर, टाइल्स परक्यूट इंस्पेक्टर चाहिए, और उसके बाद MEP QC बिल्डिंग इंस्पेक्टर चाहिए, बिल्डिंग का MEP का QC का जिनका एक्सपीरियंस हो वो लोग आ सकते हैं 1 नवंबर को। सिविल सुपरवाइजर चाहिए, मेसन भी चाहिए, मेसन में ऑलराउंडर मेसन चाहिए। तो ये अल यमामा का पूरा प्रोजेक्ट है, जो लोग भी इसमें आना चाहते हैं 1 नवंबर को आ जाइए। ये सारी वैकेंसी आपके सामने रख दी गई है, बहुत ही शानदार कंपनी का काम है अल यमामा।
इसमें जो दूसरी वैकेंसी चल रही है वो भी बहुत बड़ी कंपनी का काम है, और ये इसमें डाल दिया गया है, फ्री रिक्रूटमेंट है ये। इसमें जो कंपनी का नाम है वो है अल्फुतैन, अल्फुतैन कंपनी है। इसका जो इंटरव्यू होने वाला है इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, पाइप फिटर, इंसुलेटर, डक्टमैन, इन ये चारों ट्रेड में इंटरव्यू होने वाला है 12 नवंबर को। इसमें अभी डेट है, काफी है। जिन लोगों का आईटीआई डिप्लोमा है तो ठीक है, गल्फ का एक्सपीरियंस तो चाहिए ही चाहिए सब में, साथ में आईटीआई डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आईटीआई डिप्लोमा नहीं है तो आप इसमें ये कर सकते हैं कि जिनका 10th 12th होना चाहिए, कम से कम एजुकेशन 10th 12th होना चाहिए, और गल्फ का 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस है तो इसमें आ सकते हैं अल्फुतैन के लिए। प्लम्बर, डक्टमैन, इंसुलेटर और इलेक्ट्रीशियन, ये टोटल 4 ट्रेड ऐसे हैं, 5 ट्रेड जिसमें गल्फ का एक्सपीरियंस होना मस्ट है, आईटीआई होना मस्ट है। अगर आईटीआई नहीं है, डिप्लोमा या आईटीआई, तो 10th या 12th होना लाजमी है। उसके अलावा इसी में प्लम्बर में सुपरवाइजर भी चाहिए, इनका भी बेहतरीन गल्फ का एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्लस डिप्लोमा होना चाहिए, लाजमी है इसमें, 10th 12th नहीं चलेगा सुपरवाइजर में। डक्टिंग सुपरवाइजर चाहिए, पाइपिंग पाइप फाइटिंग सुपरवाइजर चाहिए, इलेक्ट्रिकल, इसमें बेहतरीन एक्सपीरियंस जिनका भी है, ऑल डॉक्यूमेंट्स हमें सेंड कर दीजिए व्हाट्सएप पे, नंबर नीचे लिखा है 6005432623। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स को शॉर्टलिस्ट कर लिया जाएगा फिर आपको बता दिया जाएगा, आप आ जाइए इंटरव्यू में, तो फिर तैयारी कर लीजिएगा। 12 नवंबर को इंटरव्यू होना है, काफी टाइम है अभी इंटरव्यू में, अपनी तैयारी कर सकते हैं अल्फुतैन के लिए, बहुत ही जबरदस्त काम है ये, जिनका भी इसमें सिलेक्शन होगा जबरदस्त वैकेंसी है ये। उसके अलावा दूसरी वैकेंसी डालेगी, 2 नवंबर को इसका इंटरव्यू होने वाला है, ये कैट ग्रुप की वैकेंसी है कैट। इसमें जो इंटरव्यू चलने वाला, मैकेनिकल सुपरवाइजर, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर, पाइपिंग सुपरवाइजर, पाइपिंग सुपरवाइजर, सिविल सुपरवाइजर, मैकेनिकल फोरमैन, इलेक्ट्रिकल फोरमैन, पाइपलाइन फोरमैन, सिविल फोरमैन, उसके बाद है कटिंग फोरमैन, मैकेनिकल चार्ज हैंड, इलेक्ट्रिकल चार्ज हैंड, सिविल चार्ज हैंड, इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन और इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रीशियन, इसमें भी काफी ट्रेड है, और इसमें भी चाहिए सीनियर बंदा जिनका भी सीनियर में एक्सपीरियंस हो, मोस्टली गल्फ रिटर्न के अलावा जिनका अरामको का आईडी होगा, अरामको सर्टिफाई होंगे, अरामको का जिनके पास आईडी मिला हुआ होगा, अरामको की सर्टिफिकेट जिनके पास होगी उनका चांसेस 99% हो जाएगा। उसके अलावा गल्फ रिटर्न जो लोग पहुंचेंगे वो लोग, सामने डिस्क्रिप्शन है हर ट्रेड के, सामने देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन पढ़ने के बाद एलिजिबल होंगे आप तो ही आइएगा आप। 2 नवंबर को ये कैट ग्रुप का इंटरव्यू चलने वाला है, ये भी बहुत जबरदस्त कैट ग्रुप है, बड़ी बड़ी कंपनी का काम है, ये सबको मिस ना करें। उसके अलावा 3 नवंबर को हमारी ऑफिस में चलने वाला है इंटरव्यू, उसमें जो चाहिए हमें वो सर्विस क्रू मेंबर चाहिए। इसके लिए जो भी 10th 12th वाले लड़के हैं, नौजवान लड़के, उन लोग के लिए गोल्डन चांस है। थोड़ी भी बेसिक इंग्लिश आती है, रेस्टोरेंट होटल वगैरह में काम स्टार्ट करना चाहते हैं उन लोग के लिए बेस्ट चांस है। इसमें जो आपकी चल रही है सर्विस क्रू मेंबर की, 800-200 सैलरी रहेगी, 1000 बेसिक 8 घंटे की, प्लस ड्यूटी टाइम मिल रहेगा आपका, खाना फ्री रहेगा, ऑन ड्यूटी मिल फ्री है इसमें, और ये बेसिक है प्लस ओवर टाइम प्लस टिप, इसमें टिप अच्छा खासा बनता है, सर्विस क्रू मेंबर हुआ या फिर वेटर वगैरह हो गया, इन सब में टिप अच्छा खासा मिल जाता है। तो जो भी सर्विस क्रू में आना चाहते हैं जिनकी थोड़ी बहुत भी इंग्लिश है, इंग्लिश पढ़ना लिखना रीडिंग राइटिंग जानते हैं, वो लोग अपनी तैयारी कर लीजिए आने के लिए 3 नवंबर को। 3 नवंबर को इसका इंटरव्यू चलने वाला है सर्विस क्रू मेंबर का। तो ये जितनी भी वैकेंसी चल रही है बहुत ही जबरदस्त, बड़ी बड़ी कंपनी का काम डाला गया। ये जो सर्विस क्रू मेंबर का है ये अमेरिकाना रेस्टोरेंट का काम है, ये अमेरिकाना रेस्टोरेंट का, फूड क्वालिटी इन सऊदी अरबिया का अमेरिकाना, बहुत ही नामी रेस्टोरेंट है, इसमें चाहिए ये सर्विस क्रू मेंबर। चौथी वैकेंसी जो चल रही है जो है ये सामा कॉन्ट्रैक्टिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी है सामा, इसमें मुफा लगा है इजी वे में, सेम डे मुफा लगा है, मुफा आपके सामने चल लगा दिया गया, देख लीजिएगा, सेम डे मुफा लग रहा है, कल इन लोग का मेडिकल फिट हुआ है, मुफा फौरन लग गया है, तो रेडी काम है अर्जेंट बेस पे। जो लोग जाना चाहते हैं सामा कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी में, 2000+ सैलरी होगी, 2000+ ट्रिप, बहुत जबरदस्त वैकेंसी है ये, हेवी ड्राइवर जिनका भी हेवी में नकल सकील लाइसेंस है उनके लिए जबरदस्त चांस है। तो ये सब अभी करंटली वैकेंसी चल रही है, जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं इन सब में देख लीजिए, जिनको नहीं समझ में आता है स्क्रीनशॉट लेकर के व्हाट्सएप कर दीजिए हमारे 6008 नंबर पे, आपको रिप्लाई मिल जाएगा, क्लियर वे में डिफिनेशन कर दिया जाएगा। एक्स्ट्रा पहले कोशिश कीजिए वैकेंसी को पढ़ने की समझने की,
जब ना समझ में आए फिर जाकर के मैसेज कीजिए। एक्स्ट्रा ज्यादा मैसेज कॉल भी हम लोग पिक नहीं कर पाते हैं, काफी ऑलरेडी परेशान रहते हैं, बहुत सारी वैकेंसीज, बहुत सारे काम और बहुत सारी कॉलें आती रहती है। उसमें जो हकदार होते हैं, जिन लोग को वाकई में आना होता है, उन लोग को रिप्लाई नहीं मिल पाता है। तो कोशिश कीजिए कॉल मैसेज ये सब इग्नोर करने की। वाकई जरूरत है, आना है, काम करवाना है तो ही कॉल मैसेज कीजिए, वरना बस क्योरी लेने के लिए बहुत सारा ऐसे ही। आजकल के ये है कि जियो का सिम में फ्री कर दिया गया है, लगातार कॉल बजती रहती है, क्या है तो सर ये वैकेंसी है, वो वैकेंसी है, ये है वो है, बस इतने ही क्वेश्चन होते रहते हैं। तो इन सब चीजों को आप लोग जानिए। जो ग्रुप में ऐड नहीं है व्हाट्सएप कर दीजिए, 600 वाले नंबर पे लिख के डालिए कि ग्रुप में ऐड कर दीजिए सर, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। सारी वैकेंसी ग्रुप में मिल रही है, यूट्यूब पे मिल रही है, यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, सारी वैकेंसी आपको मिलती रहेगी डे टू डे। और बेल आइकन का बटन है, घंटी जैसा बटन नजर आएगा, उसको क्लिक कर लीजिए, उससे आपको क्लियर वे में हर नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उस नोटिफिकेशन के थ्रू पहुंच करके अपना इंटरव्यू शेड्यूल देख करके उस हिसाब से अपना सिलेक्शन करवा करके बड़ी बड़ी कंपनी में जा सकते हैं। जो भी काम है सारी बड़ी बड़ी कंपनी का काम है। ये सामा भी डायरेक्ट कंपनी है, कंस्ट्रक्शन की बहुत बड़ी कंपनी है, 2000 प्लस सैलरी टेलर ड्राइवर का है, नकल सकील लाइसेंस चाहिए। सेम डे मुफा लग रहा है, मुफा आपके सामने लगा दिया गया, देख लीजिएगा आप लोग। तो जो भी रेडी है इन सब में निकलने के लिए इमीडिएटली ऑफिस पहुंचने की कोशिश कीजिए, ठीक है। कहीं पे कोई भी क्वेरीज हो, आप नीचे एड्रेस लिख करके आ रहा है, नंबर लिख करके आ रहा है, व्हाट्सएप कर लीजिए, सेम एड्रेस पर ऑफिस विजिट करने की कोशिश कीजिए। ज्यादातर कोशिश करें कि ऑफिस आए, यहाँ आने पर आपका डाउट क्लियर होगा, सामने सामने बैठ करके बात करेंगे, हम आपको समझाएंगे, आप हमें समझेंगे, सही लगेगा, फिर आगे काम कराना है आपको। ओके, थैंक यू सो मच।